हे एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लेकर के आ गए हम फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आम की खट्टी मीठी लौंज। इसको कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए लिए हैं मैंने ये आम लिए हैं। आम तकरीबन ये लिए हैं मैंने आधा के जी यानी कि 500 ग्राम आम लिए हैं। इनको अच्छे से धुल लिया है, वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इनको पील अप कर लेंगे। और देखिए, जो आम लेना है वो आपको जो राउंड शेप वाले आम हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, उनको नहीं लेना है। ये जो लंबे होते हैं आम यानी कि अमियां इनको बोलते हैं, कच्ची अमियां, ये लेनी है जो लंबे आकार में होती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी कम खट्टी होती हैं और इनकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। एक बार आप इन आम को लेकर के बनाइएगा, ज़रूर ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। और इन आमों को क्योंकि अभी चल रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो इस सब्ज़ी को बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं तो ये सब्ज़ी बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। और ये सब्ज़ी ऐसी है, एक बार आप बना लीजिए, 15 से 20 दिन आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और इसको आप पराठा के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ सर्व कीजिए। और जो आलू का पराठा बनाते हैं ना, उसके साथ तो इसका कहना ही क्या, बहुत ही लजीज और लाजवाब लगती है। आलू के पराठा के साथ ये आम की लौंजी खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी लगती है। और आपको क्या करना है, जैसे आपने 500 ग्राम लिए हैं, ये कच्चा आम यानी कैरी 500 ग्राम लिए हैं, तो आपको इसके हाफ यानी कि 250 ग्राम लेनी है आपको। आप चीनी लीजिए या मिश्री लीजिए या फिर आप गुड़ लीजिए, जेगरी लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसके हाफ क्वांटिटी में लेनी है। और अगर 500 ग्राम आपने ली है कच्ची कैरी, तो आपको 500 ग्राम ही पानी चाहिए उसको बनाने के लिए। और देखिए तो फ्रेंड्स, और इसको इस तरह से वर्टिकल आकार में ही काट लेना है, क्योंकि इसको उसमें राउंड में नहीं काटना है। इसका बीज निकाल देना है पूरा गुठली अंदर का, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट हैं, क्योंकि ये लंबी वाले हैं तो अभी इनमें अंदर जाली नहीं पड़ी है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। इसको इस तरह से लंबा लंबा शेप में काट लेंगे और ये बहुत जल्दी पक जाती है, बहुत जल्दी पकती है, 5 मिनट में पक के रेडी हो जाती है। बट इसको क्या है कि आप बहुत ही थिन आकार में नहीं काटिए, थोड़ा मोटा मोटा ऐसे वर्टिकल शेप में काट के रेडी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने सारी कैरी हैं काट के रख ली हैं। और इसको आप वॉश करना चाहें तो कर लें, पहले से मैंने वॉश करके ले लिया था। अब इसको अच्छे से, और इसके अब रेडी करेंगे प्रिपेयर मसाले, क्योंकि मसाले मैंने लिए हैं ये नमक लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और रेड चिली पाउडर लिया है, और ये लिया है मैंने भुना हुआ जीरा है और भुनी हुई सौंफ है, इसको मैंने पहले से ही भून के रख रखा था, और धनिया पाउडर है। आप इसके साथ ले सकते हैं, इसमें जो कलौंजी आती है वो ले सकते हैं, और मेथी दाना है वो भी आप ले सकते हैं, और आप और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर, वो आप ले सकते हैं। बट मुझे क्या है, गर्मी का टाइम चल रहा, मुझे बिल्कुल सिंपल से ही बनाना है इसको, तो कम मसालों में बनाना है, क्योंकि ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो इसके लिए ज़्यादा मसाले वाले नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल से बनाना है। और उसके लिए लिया है मैंने जेगरी मतलब गुड़ लिया है, गुड़ में हम ये सब्जी बनाएंगे, उसके लिए लिया था मैंने ये 250 ग्राम ले लिया था गुड़। अब मैंने रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने सरसों का तेल, क्योंकि ये सब्जी ना सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है, और इसको सरसों के ही तेल में ज़रूर बनाइएगा। एक बार आप सरसों के तेल में बना के देखिए, सारे तेल आप भूल जाएंगे सरसों के तेल के आगे। तो ये मैंने उसमें डाल दिया था जीरा सरसों के तेल में, क्योंकि जीरा को अच्छे से गरम हो जाने देंगे, मतलब तड़क जाने देंगे, क्योंकि इसको हम हमेशा फ्राई करते हैं, जो छोंकते हैं इस लौंजी को वो छोंकते हैं जीरे से ही। अब मैंने जो कच्ची कैरी कट करके रखी थी उसको ऐड कर दिया है, क्योंकि इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं, लहसुन प्याज वगैरह कुछ पड़ना है नहीं, तो इसके लिए बस जीरा डाला, ऊपर से ये कच्ची कैरी ऐड कर दी। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है, कोई टाइम टेकन नहीं है, बहुत अच्छे से इजी तरीके से बन जाती है। और देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और ये पकने के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है, लेकिन क्या है इसमें गुड़ वगैरह पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये देखिए, आप जो मैंने मसाले अभी लिए थे वो सारे मसाले मैं इस स्टेज पर ऐड कर दूँगी, और आप चाहें तो इसमें मेथी दाना वगैरह वो ऐड कर सकते हैं, वो आपकी पसंद के ऊपर है, आप पसंद करते हो तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इतनी गर्मी की वजह
से हम अभी कोई से भी मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिंपल से जो बिल्कुल सिंपल मसाले हैं घर में वही ऐड कर दिए हैं मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है बिल्कुल, मतलब कोट जो हमारी देखिए कैरी है अच्छे से एकदम कोट हो गई है मसाले में, बिल्कुल अच्छे से मिल जानी चाहिए, क्योंकि जो गैस का फ्लेम है वो स्लो करके अच्छे से कोट कर दीजिए, मसाले सारे मिल जाने चाहिए। ये देखिए अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, पानी मतलब जैसे कि हमारी कैरी थी 500 ग्राम, मतलब आधा के जी हाफ़ के जी कैरी थी, तो मैंने हाफ़ के जी पानी ऐड कर दिया है इसमें, क्योंकि पानी जितना जितना कैरी होगा उतना ही पानी लगेगा, और उसमें क्योंकि पकने में भी पानी जाएगा तो इसके लिए हमें पानी उसी आकार में लेना है। अब देखिए हमारा जो पानी था हल्का हल्का गर्म हो गया है, अभी इसी स्टेज पर हमें डाल देना है गुड़, क्योंकि गुड़ इसलिए ऐड करना है अभी क्योंकि इसको घुलने में टाइम लगेगा, तो इसको तुरंत ऐड कर देंगे, और अभी जब ये पकेगा तो इसमें टाइम लगभग 1-2 मिनट इसको घुलने में भी लग जाएगा गुड़ को। मैंने जैगरी यूज नहीं किया है, आप चाहें तो जैगरी यूज कर सकते हैं, और गर्मियों का टाइम है चाहें आप इसमें मिश्री डाल के भी बना सकते हैं, क्योंकि मिश्री गर्मियों में बहुत फ़ायदा करती है, पेट के लिए भी अच्छी होती है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो आप मिश्री डाल के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें गुड़ डाल के बनाया है क्योंकि गुड़ भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और गुड़ के फ़ायदे भी बहुत होते हैं। अब इसको वापस से ढक देंगे, अब 2 मिनट के लिए ढक के अच्छे से गुड़ को मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारा गुड़ 2 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो गुड़ हमारा पूरा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, देखिए बिल्कुल भी नहीं मतलब बचा नहीं है, पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है। बट अभी हमारी जो कैरी है वो उसको पकने में अभी लगेगा टाइम, क्योंकि अभी वो बिल्कुल भी नहीं, अभी 40% तक मुश्किल से कुक हो पाई हैं, अभी उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी इसको वापस से फिर से हम ढक देंगे। देखिए अभी जो हमारा पानी था रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी क्वांटिटी उसकी जितनी मैंने डाली थी उतना ही पूरा हो रखा है, और देखिए उसको फिर से मैंने ढक दिया है आफ्टर 5 मिनट। ये देखिए रिजल्ट, जो पानी था वो भी ऑलमोस्ट कम हो चुका है, और हमारी जो कैरी थी वो भी अभी सॉफ्ट होने लगी हैं, ये देखिए। लेकिन अभी क्या है जो उसका रसा है जो कैरी में जो ये रसा है लौंजी में वो भी थोड़ा ज़्यादा है, उसको अच्छे से रिड्यूस होने देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा रसीला नहीं रखेंगे इसको, हम थोड़ा सा थिकनेस ही रखेंगे तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए जो इसको मैंने मसाले डाले हैं पीस के वो कितना अच्छा उसमें टेस्ट मतलब दिख रहा है, मतलब कितना अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं वो मसाले। आप इसमें सौंफ है ना, सौंफ खड़ा मत डालिए, इसको सौंफ को क्या करिए भून लीजिए, भूनने के बाद इसको दरदरा क्रश कर लीजिए, क्रश करने के बाद ही आप इसको डालिए सौंफ, तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें सबसे अच्छा जो टेस्ट आता है वो सौंफ का ही आता है। ये देखिए मैंने एक फोग लिया है, उससे आपको मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छे से हमारी जो कैरी है कुक हो चुकी है, कितने अच्छे से पक गई है। देखिए सारी कैरी को मैंने क्रश करके दिखा दिया आपको, बहुत अच्छे से हमारी कैरी एकदम से पक के रेडी हो गई है, और जो हमारा रसा था वो भी रिड्यूस हो चुका है, और देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आया हुआ है। अब हम इसको कर लेंगे सर्व, अपने ट्रे में निकाल प्लेट में एक में सर्व कर लेंगे, और इसको आप अच्छे से पराठा दाल चावल जब भी बनाना हो उसके साथ खाइए, या पराठा आलू के पराठे के साथ तो खासकर बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी। ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो हो गई है रेडी, मैंने अब इसको एक भर कर के रख लेंगे एक जार में, आपके पास कांच का जार हो या प्लास्टिक का जार हो उसको अच्छे से सुखा के और इसको एयर टाइट डब्बे में भर के फ्रिज में रख लीजिए, 15 से 20 दिन तक चलेगी। अगर गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू वॉचिंग मी।